हेलो एवरीवन, मैं दीप्ति शर्मा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी के दही बड़े, जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है और खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं। सबसे बड़ी इनकी खास बात यह है कि इनको बनाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। जब हमारा मन करे तभी हम इनको बना सकते हैं। दाल के जो दही बड़े बनते हैं उनको बनाने से पहले हमें सोचना पड़ता है, दाल को भिगाना पड़ता है, पीसना पड़ता है जब बनते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम तुरंत बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम इन दही बड़े को बना लेते हैं। एंड यहाँ मैंने 1.5 कप सूजी ली है और 1/2 कप दही ली है, और इसमें हमने नमक स्वाद अनुसार डाला है और रोस्टेड जीरा डाला है, जीरा पाउडर डाला है, भुना हुआ जीरा जो होता है, और ये सब हम डालकर इनको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि हमारा एक थिक बैटर तैयार हो जाए। और हम अब इसको 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, और आफ्टर 30 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम ऑयल में इनको डालकर फ्राई कर लेंगे। हम इनको स्पून की हेल्प से भी डाल सकते हैं, हाथ से भी बना सकते हैं, जैसे मन करे वैसे हम लोग इनको बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कलर चेंज होने लगा है इनका। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे ऑयल से। अब हमारे बड़े तैयार हो गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने दही बड़ों की दही रेडी कर लेते हैं। ये मैंने दही ली है, इसमें चाट का मसाला डाला और भुना जीरा डाला है, काला नमक डाला है, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डालूँगी, हरा धनिया का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, अब मैं बड़ों को गर्म पानी में भिगा दूँगी। 15 मिनट तक के लिए मैं इनको भिगा रहने दूँगी। अगर हम 15 मिनट तक इनको गर्म पानी में भिगाए रखते हैं तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो हमें इनको 15 मिनट तक इनको भीगे रहने देना है। उसके बाद पानी में से निकाल के दही में डाल लेंगे। मैं पानी में से निकाल के जो मैंने दही तैयार करी थी, मैं उस दही में इनको डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब ये रेडी हो गए हैं, अब मैं इनको सर्व कर रही हूँ। वाओ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। मैंने रेड चिली डाली है और मैं इस पर इमली की चटनी डालूंगी, और ये मैंने धनिया की चटनी बनाई है वो भी इस पर डालूंगी। और बाकी मसाले हमारे उसमें दही में थे ही, चाट का मसाला वगैरह अगर हम दही में नहीं डालते हैं तो ऊपर से डालते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला, ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, धनिया ऊपर से डालते तो बहुत अच्छा आता है। और मैंने ये बाद में भुना जीरा भी डाला है, इसका टेस्ट भी ऊपर से डालने में बहुत ही अच्छा होता है। देखिए फ्रेंड्स, कितने ज़्यादा देखने में ये अमेजिंग लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं ये। तो फ्रेंड्स, आप भी इन दही बड़ों को ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये दही बड़े कैसे लगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।